तो गाइस ये है सोनेट का बेस मॉडल HTE जो कि आप चेक कर सकते हो रेड कलर में जो आपके सामने है। एंड यहाँ पे फ्रंट में जो आपको ड्यूअल टोन कलर देखने को मिलेगा सिल्वर एंड जो है रेड पूरी फिनिशिंग, ब्लैक कलर में पूरी ग्रिल, न्यू लोगो किया का जो कि क्लोथ से आपको दिखा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो रखा है। तो यहाँ पे आप चेक करो, काफ़ी अच्छा लग रहा है, नया लुक जो है काफ़ी सही लगा इस गाड़ी का। यहाँ पे जो कोई DRL आपको नहीं मिलती LED में, आपको हेलोजन बल्ब जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा DRL के रूप में। एंड हेडलाइट भी जो आपको फुली हेलोजन में आपको देखने को मिलेगी। नीचे जो कोई भी आपको फॉग लैंप नहीं मिलता, नीचे स्किड प्लेट मिल जाती है आपको सिल्वर टोन में। एंड यहाँ पे जो आपको सिल्वर टोन की फिनिशिंग यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे जो ओवरऑल फ्रंट का लुक काफ़ी सही आ रहा है बेस मॉडल का भी, कोई कमी जो है नहीं लग रही इतनी कुछ खास। साइड प्रोफाइल में चलूँ सो यहाँ पे आपको जो टायर साइज आपको मिलता है वो मिलता है 195/65 R15 का। यहाँ पे आपको व्हील कवर्स मिल जाते हैं कुछ ऐसे जो कि कंपनी से फिटेड है, आपको अलग से व्हील लगवाने की जरूरत नहीं है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, फेंडर पे जो आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पूरी जो आपको ब्लैक कलर में पूरी बॉडी किट जो है देखने को मिलेगी पूरी चारों तरफ। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं मिलता, फेंडर पे जो इंडिकेटर देखने को मिलेगा रेड कलर एंड जो है ब्लैक में पूरा आपको। यहाँ पे कोई कीलेस एंट्री आपको नहीं मिलती है। ए पिलर जो है बॉडी कलर में, बी पिलर एंड जो है सी पिलर, ये पूरा आपको मैट ब्लैक में देखने मिलेगा। ये कुछ ऐसा जो है पूरा साइड प्रोफाइल इस गाड़ी का। लेफ्ट साइड में जो है फ्यूल लीड आपको मिल जाती है। ये जो है कुछ इसका रियर है, रियर जो आप चेक कर सकते हो, रियर भी जो काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पर जो डिज़ाइन दिया गया है ये जो है और भी सही लगता है इसका। तो यहाँ पर थोड़ी सी धूल मिट्टी उसको इग्नोर करना। बाकी नीचे की साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिल जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं दो। यहाँ पे ड्यूअल टोन में जो पूरा बम्पर आपको इसमें देखने मिलेगा, टेल लाइट्स जो आप चेक कर सकते हो हैलोजन में। लेकिन यहाँ पे जो है पूरा डिज़ाइन इससे आपको लगेगा कि LED है, बट ये जो है हैलोजन का ही यूज़ है। यहाँ पे कोई LED का जो है यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। किया को जो है न्यू लोगो काफ़ी फ्रेश फील करा रहा है। यहाँ पे सोनेट की बैचिंग, यहाँ पे कोई भी वाइपर डिफोगर आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे एंटीना मिल जाता है सिर्फ सिंपल, कोई भी आपको रूफ रेल नहीं मिलती। यहाँ पे आपको हाई स्टॉप मिल जाता है, स्टॉप माउंट लैंप। कुछ ऐसा जो है पूरा इसका रियर है जो कि देखने में काफ़ी सही लग रहा है। एंड अभी चलता हूँ इसके इंटीरियर में, इंटीरियर दिखाता हूँ कि इंटीरियर में जो आपको क्या कुछ मिलता है। सो चलते हैं इंटीरियर में। यहाँ पर कोई कीलेस एंट्री नहीं मिलती आपको। एंड यहाँ पे जो गाइस आपको रियर में कोई भी पावर विंडो नहीं मिलती, आपको जो सिर्फ फ्रंट में पावर विंडो मिलती है जो कि वन टच डाउन फीचर के साथ में नहीं आती है। जो ORVM है वो जो आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर पाओगे, बट ऑटो फोल्डिंग जो आपको नहीं मिलते हैं वो जो आपको मैनुअली जो करने पड़ेंगे फोल्ड वगैरह ओपन वगैरह। यहाँ पे जो ओपनर मिल जाता आपको ब्लैक एंड जो है सिल्वर की फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे, जो कि ऑल्सो काफ़ी अच्छा लुक दे रही है, जो कि कोई भी यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं की है कंपनी ने, बिकॉज यहाँ पे जो है काफ़ी सही लुक आता है इस चीज़ से। सो यहाँ पे जो है ये यूज किया गया है, यही AC वेंट्स में यहाँ पे यूज किया गया है। सो AC वेंट्स भी जो है इस सिल्वर कलर की फिनिशिंग की वजह से काफ़ी सही लगते हैं। ओवरऑल जो है पूरा डैशबोर्ड काफ़ी सही लगता है इस पूरा ड्यूअल कॉम्बिनेशन की वजह से, सिल्वर और जो है पूरा ब्लैक। तो यहाँ पे पूरा जो है काफ़ी सही लुक आता है इस गाड़ी के डैशबोर्ड। अभी बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग जो आप चेक कर सकते हो किया का लोगो यहाँ पे। यहाँ पे एयरबैग मिल जाता है, हॉर्न आपको मिल जाता है, नीचे की साइड में जो है सिल्वर कलर का फिनिशिंग। एंड यहाँ पे पियानो फिनिश के साथ में ये कुछ इस टाइप का, बट बटन्स जो आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं, बट वो आप अलग से लगवा पाओगे बाद में जब आप बीच में स्टीरियो यहाँ पे लगवाओगे। तो स्टीरियो जो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता है, ओनली आपको यहाँ पे AC कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं जो कि ऑल्सो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे जो हैजार्ड का बटन, यहाँ पे जो पूरा लेवल शो करेगा आपके, यहाँ से आप जो है फैन वगैरह की स्पीड को बढ़ा पाओगे। नीचे आपको AC का बटन मिल जाता है एंड ये कुछ AC वेंट्स है इस टाइप के। नीचे जो आपको चार्जर मिल जाते हैं, यहाँ पे जो है 12 वोल्ट का एक और मिल जाता है जिसमें आप किसी भी चार्जर का यूज कर सकते हो। उसके अलावा जो है इस यहाँ पे आपको 6 स्पीड का जो है पूरा इसका मैनुअल गेयरबॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे ऑल्सो सिल्वर कलर की पूरी फिनिशिंग जो कि ऑल्सो देखने में काफ़ी सही लग रही है। एंड ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी अच्छा लगता है इसके AC वेंट्स पे भी एंड यहाँ पे भी। उसके अलावा यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है एंड यहाँ पे 2 कप होल्डर जैसे आपको सेल्टोस में मिलता है। तो ये पूरा जो है कुछ ऐसा इंटीरियर है। यहाँ पे जो है आपको ये कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि आप अपनी MIDU सेट कर सकते हो इनसे। सो आपको करके दिखा देता हूँ, बिकॉज आजकल अपन देखते हैं जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है उनमें या तो यहाँ पे होते हैं, महिंद्रा के जो है यहाँ पे होते हैं एंड महिंद्रा के में यहाँ पे भी होते हैं। सो हर जगह जो है हर गाड़ी में आपको अलग अलग तरह से जो है देखने को मिलता है। मारुति की तरह नहीं है कि अभी भी जो है यहाँ पे वो अपने मैनुअल वाले बिल्कुल सिंपल वाले। एंड अभी जो है मैंने MID को ऑन किया है। सो MID आप चेक करो गाइस, MID जो काफ़ी सही है इसकी। तो स्पीड है उसको कम कर देता हूँ, बिकॉज साउंड आपको अच्छे से नहीं आएगी।
सो यहाँ पे MID चेक करो, इधर की साइड में RPM मीटर, उधर की साइड में जो आपको फ्यूल मीटर और टेम्परेचर मीटर, नीचे की साइड में सारे आपको जितने भी इंडिकेटर्स हैं इसके, वार्निंग लाइट्स वगैरह, वो सब आपको मिल जाएंगी। बीच में जो है MID जो आपको सेल्टोस में मिलती है, सेम वैसी जो आपको यहाँ पे MID देखने को मिलेगी, जो कि आपको डिटेल्स सारी दे देगी, एवरेज वगैरह, माइलेज वगैरह, एंड यहाँ पे आपको टेम्परेचर वगैरह शो करेगी, 37 डिग्री सेल्सियस आप चेक कर सकते हो, 15 किलोमीटर जो है ओडोमीटर, सो यहाँ पे हर चीज़ आपको शो करेगा। जो स्पीडोमीटर मेन वो जो है सेंटर में आपको मिल जाएगा, सो कुछ ऐसा जो है पूरा इसका स्पीडोमीटर है। एंड यहाँ पे हेडलाइट्स का रिस्पॉन्स आप चेक करो, ये हाई बीम है, ये जो है लो बीम है, सो ये जो है कुछ ऐसी इसकी हेडलाइट है जो कि ऑल्सो काफ़ी सही थ्रो दे देती है। बाकी जो है गाइस इंटीरियर आप अच्छे से चेक कर लो, IRVM जो है आपको मैनुअल मिलते हैं, यहाँ पे जो है आपको वेंटी मिरर नहीं मिलता है, ना ड्राइवर साइड और ना जो है आपको को पैसेंजर साइड, तो यहाँ पे जो है वेंटी मिरर आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो है यहाँ पे सीट कवर्स वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, कुशनिंग वगैरह जो है काफ़ी सही, कंफर्ट आपको अच्छा खासा मिलेगा, काफ़ी वाइड सीट्स हैं, यहाँ पे जो आपको मैग्नेट वगैरह की तरह जो है बीडी सीट नहीं मिलेगी, यहाँ पे ऑल्सो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन जो है दिया गया है। सो पूरा जो है ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया जाता है इस बेस वेरिएंट में भी, सो बेस वेरिएंट भी जो है ये नहीं है कि बेकार है, ये भी जो है वैल्यू फॉर मनी है, यहाँ पे आप अलग से लगवा पाओगे और यदि किसी को जरूरत नहीं है तो भी जो है काफ़ी सही लुक देता है ये। सो यहाँ पे जो है इसको ऐसा इसका पूरा डैशबोर्ड है, एंड यहाँ से आप पूरा सेट कर पाओगे, ये चेक कर रहे होंगे आप, ये जो है पूरे बटन इसकी MID जो है दिए जाते हैं, ओके, मतलब यहाँ पे आप पूरी जो है कमांड वगैरह दे सकते हैं इसको, सेलेक्ट एंड ओके, सो ऐसे कुछ जो है पूरी आपको डिटेल्स वगैरह यहाँ पे मिलेगी। सो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, सारी वार्निंग्स मिल जाएगी, यहाँ पे जैसे मैं अभी इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जो है ये भी शो करेगा कि डोर जो है ओपन है, सो यहाँ पे सारी जो है इन्फॉर्मेशन आपको इस MID में देखने को मिलेगी। अभी चलता हूँ रियर की साइड में, रियर की साइड में जो है चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ कितना जो स्पेस आपको मिलता है। उससे पहले आपको की दिखा देता हूँ, की जो है मैंने नहीं दिखाई इसकी, बिल्कुल बेसिक सी की मिलती है, कोई बटन वगैरह कुछ नहीं, और ऐसी कुछ जो है इसकी की है पूरी। अभी चलता हूँ रियर की साइड में, रियर की साइड में चलने से पहले आपको दिखा दूँ फ्यूल लिड का जो ओपनर वो यहाँ पे दिया गया है, एंड बोनेट को जो आप यहाँ से ओपन कर पाओगे। उसके अलावा जो है सीट को आप सिर्फ बैकरेस्ट एडजस्ट कर पाओगे, हाइट वगैरह जो एडजस्टमेंट का फीचर नहीं मिलता है। अभी जो है इसमें आ गया हूँ रियर की साइड में, रियर की साइड में एक खास बात जो मेरे को लगी वो है कि इसमें आपको पीछे की साइड में जो है AC वेंट्स टाइप जो है दिया गया है, यहाँ पे AC वेंट्स जो आपको मिल जाते हैं, बट यहाँ पे ये कुछ जो है मेरे को क्लोज टाइप लग रहे हैं, सो ये पता नहीं क्या सीन है, बट यहाँ पे जो आपको ये वेंट्स मिलते हैं, एंड यहाँ पे आपको पूरी मैनुअल में मिलती है, कोई जो है बटन आपको नहीं मिलता है यहाँ पे विंडो ओपनर का। उसके अलावा कुछ इतना जो स्पेस मिलता है, तो स्पेस वगैरह भी जो ठीक ठाक मिल जाता है यहाँ पे, सो ऐसा कुछ जो है पूरा इसका रियर का स्पेस है। नीचे आपको चार्जर मिल जाता है, फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बट पीछे की साइड में आपको नहीं मिलेंगे, ना ही जो पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे मिलती है, पार्सल ट्रे भी जो आपको नहीं मिलेगी पीछे की साइड में। सो ऐसी है कुछ ये अपनी सोनेट बेस मॉडल, जो कैबिन लैंप है वो आपको पीछे की साइड मिलेगा, फ्रंट की साइड में जो है वो भी नहीं मिलेगा आपको। सो ये था कुछ इसका पूरा इंटीरियर, सो इस यहाँ पे जो है सोनेट HTE वेरियंट जो है आपको मैंने दिखाया, पूरा जो है बैकग्राउंड दे देता हूँ, कुछ ऐसी जो है दिखती है अपनी सोनेट रेड कलर में। सो यहाँ पे जो है देखने में काफ़ी सही लगी, ये इसका बेस वेरिएंट। सो गाइस ये था इसका बेस मॉडल, प्राइसिंग के बारे में बता दूं, ये जो है इस डीजल वेरिएंट है, 1.5 लीटर का आपको यहाँ पे इंजन मिलता है, ये जो है 6 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में मिलती है आपको, 6 स्पीड के गियरबॉक्स के साथ में, सो यहाँ पे आप पहचान सकते हो कि ये जो है आपका मैनुअल वेरिएंट है डीजल का। सो यहाँ पे गाइस आपको बता दूं इसकी जो प्राइस है वो है 8.35 लाख एक्स शोरूम, ऑन रोड जो है लगभग 9-10 लाख तक जो है जाती है। सो बाकी जो आप अपने शोरूम में एक बार जाके चेक कर लेना, आपको प्राइस वगैरह पता चल जाएगी। सो बाकी ये थे कुछ आज की वीडियो में, कोई भी डाउट्स हो इंस्टा पे मैसेज करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।